loves about you. You're so perfect. Hope you know. जय श्री राम मेरे सारे प्यारे भाइयों को। भाई कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि मोस्टली आपने हरिद्वार में या फिर कावड़ के टाइम पे देखी होगी, पर हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं आज कावड़ से कुछ टाइम पहले, अराउंड एक महीना पहले। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई सावन का पावन महीना चल चुका है, और फिलहाल भाई हम आया यहाँ पे एक बहुत ही बड़े, और क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, बाकी डीजे का सेटअप करने, जो कि भाई आपको मोस्टली हरिद्वार, रुड़की या फिर मेरठ के जाम पे मिलते हैं। बाकी आज हम आपको इसके पास लेके आए हैं कि देखते हैं भाई आज ये कैसे बनता है, कैसे सेटअप होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं, और साथ ही इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। भाई देखते हैं पहले कौन कौन भाई आ जा रखे अपने साथ, तो चलिए चलते हैं। साथ हैं, सबसे पहले मिलवाता हूं मैं आपको अपने खास पंटर से नीतीश भाई आ रखे अपने साथ। अरे देख लो भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीने में हो रहा है, पूरा भीगा पड़ा है। यहाँ पे भाई अपना ऋतिक भाई, जो कि आपने बहुत कम ही देखा होगा अपनी वीडियो में, मुझे आने का शौक नहीं है इसकी वीडियो। बाकी पीछे भाई हाथी और काफी बंदे हैं भाई पीछे, तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में उनके पास और दिखाते हैं भाई आपको कैसे सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। बस जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे अपना डीजे सेटअप हो रहा है, और ये इस डीजे के ओनर खड़े डीजे टीआर का तुषार राघव। तो भाई तुषार कैसे हो? बढ़िया भाई जी। तो भाई मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई इसमें क्या क्या लगा रहे हो, कैसे कैसे, और पहले ये बता दो कितनी तारीख को कावड़ जानी है इसकी? भाई ये निकलेगा अपने गाँव से, निकलेगा 21 तारीख को। 21 तारीख को यानी 3 दिन बाद में। हाँ जी भाई, फिर हम दिल्ली पहुँच जाएंगे शाम को, दिल्ली से फिर वहाँ गाँव की निकासी करवा के फिर आगे के लिए निकलेंगे। इसमें फिलहाल हम 10 बजे लगा रहे हैं और टॉप हो जाएंगे समथिंग 8 टॉप होंगे, फिर बाकी लाइनर वगैरह जो भी है, मॉनिटर वगैरह जितना होगा उतना लगा देंगे। हाइट के अनुसार चलेगा जो चलेगा, हाइट के अनुसार चलेगा। और लाइटनिंग का अगर आपसे पूछा जाए तो लाइटिंग का भाई 20 LED है, अभी पार्टी से बाकी बात चल रही है, वो 4 CRP की ओर बोल रही है, बाकी अभी तक 2 CRP। अच्छा, अभी तक 2 CRP, वैसे 4 CRP 20 LED। हाँ, हो सकती है शाम तक कन्फर्म हो जाए, 6 CRP हो जाएंगे। अच्छा, तो कुछ इसकी भाई अगर हम पूछे कि भाई इसकी जैसे ये स्पीकर की क्वालिटी हो या फिर बेस की, भाई कौन से बेस आपने इंस्टॉल कर रखे हैं? जैसे मैंने अब तक देखा है कि आधे इसमें से आपने खुद ही बनाए हैं, अपने आप खुद इंस्टॉल करे गए हैं। आधा सामान इसमें हैंडमेड है, आधा सामान हम मिनी टोन का यूज कर रहे हैं। अच्छा, मिनी टोन का और आधा हैंडमेड है, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं अब इसकी कि भाई इसकी साउंड क्वालिटी क्या रहती है एंड में। बाकी 2 जनरेटर इसमें सेटअप किए गए हैं, सिंगल से नहीं हो पाता इतना लोड, सिंगल से नहीं हो पाएगा ना भाई, ये छोटा जनरेटर है, एक बड़ा जनरेटर लगा हुआ है। मतलब 2 जनरेटर लगा रखे, एक छोटा एक बड़ा, और जिस हिसाब से भाई आप साइज देख सकते हैं, साइज तो खैर अभी छोटा ही, अभी बहुत उठेगा अभी तो, अभी कम से कम 3.5 फुट और ऊपर हाइट जाएगी, 3.5 फुट और मतलब पेड़ में बढ़ेगा अंदर 100%। ऊपर एक भी अभी देख लेना, तार भी है ऊपर, हाई टेंशन का तार और जा रहा है, कहीं चुपके रह जाओ सारे। चलो भाई देखते हैं बाकी अब। चलो भाई आफ्टर 4-5 घंटे की मेहनत ये हो चुका है पूरा सेटअप। हाइट देख लो आप इसकी कितनी है, अराउंड बंदा देख लो कहाँ पे है, अराउंड अराउंड होगी भाई ओ तुम्हारी 15-16 फुट हाइट है इसकी। और अगर आपको ये हाई टेंशन की वायर दिख रही है तो ये देख लो कहाँ जा रही है, कती जस्ट ऊपर, मतलब भिड़ते ही मौत है।
और यहाँ पे अभी देख लो काम कर रहे हैं, अब हो चुका है भाई ये रेडी, बाकी अब इसके कनेक्शन करके भजवाऊँ इसे, ठीक है गाइस। अब तक आपने देखा कि हमने आपको बॉक्स दिखा दिए और इसका साइज़ दिखा दिया, सारी चीज़ दिखा दी, बट फिलहाल मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि भाई ये चलता किस पे है। गाइस ये आप देख सकते हैं अपने आगे हैं 10 इसके बड़े बड़े एम्प, जो कि मैंने आज तक देखा है कितने, दो ही लगते देखे आज तक तो, दो तो चार देख नहीं, मैंने तो दो ही देखे भाई, बट यहाँ पे अभी लग रहे हैं 10। सर देख लो इसके नीचे जनरेटर मैंने दिखाई दिया आपको पहले, कर ले तू कोई काम कर ले, मैं ना छेड़ रहा तेरे पे, ना 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 अभी फिलहाल भाई मैं आ रखा हूँ इसके ऊपर, और इतना ऊपर खड़े होने के बाद भी सेट अब भी ऊपर है थोड़ा सा, और यहाँ तक आप इस तारा देख लो भाई, मौत को छू के टक से वापस आ रखे हैं ये दोनों अभी ऊपर फिलहाल में भी, और यहाँ तक नीचे तक हाइट देख लो गाइस आप, काफी नीचे हाइट है। अब भाई कर रहे हैं इसके कनेक्शन करवा के और जल्दी करवाएं इसे चालू। तेरे अकॉर्डिंग कितना टाइम और लगेगा इनमें? आधा घंटा। कितना टाइम और हो चुका है अभी तक? 6 घंटा। 6 घंटा तो भाई मेहनत करते होगे। सेट तो हो चुका है रेडी, हाइट देख लो, सामने ट्रक खड़ा है उसकी हाइट देख लो, बस अब सेट कर रहे हैं, पता नहीं कितनी देर होगी ना, 2-3 घंटा हो गए इनकी वायरिंग सेट नहीं हुई है, अब देखो भाई कितना टाइम और लगेगा। अब यार 7 घंटे हो गए कंटिन्यू लगे लगे, अब जाके बजा था, बाकी अगर मैं बताऊं तो साउंड वेव आपको भाई नहीं, मेरे अकॉर्डिंग आपके पास ठीक से वॉइस नहीं पहुंची होगी, क्योंकि भाई फोन वगैरह ये इतनी वॉइस कम कर देते हैं, इसमें समझ नहीं आता, बाकी भाई बहुत हार्ड वॉइस थी, उसके पास रुका नहीं जा रहा था, कान में बहुत ज़्यादा पिन पिन पिन, अब भी कान थोड़े बहरे टाइप हो गए हैं, और बाकी भाई बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं लाउड वो था, काफ़ी मज़ा आया। एक भाई हाँ, और ये बीच में इसका एक शीशा चटका हुआ था, वो झट गया, इतनी वाइब्रेशन थी भाई वो शीशा ही झट गया, बाकी छोड़ो इस चीज़ को, बहुत मज़े आए, होप यू इन्जॉय दिस व्लॉग, और भाई अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाना, मिलते फिर जल्दी अगले व्लॉग में, जय श्री राम।